विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को आप कुछ भी कहें उसकी खुशबू हमेशा बनी रहेगी। सेहत के मामले में भी शेक्सपियर साहब की ये बात एकदम मुफीद और सटीक सी लगती है, क्योंकि बीमारी चाहे जो भी हो वो शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, हाई बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां तो आसानी से पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो शुरुआत में अगर डिटेक्ट ना हो तो फिर वो खतरनाक रूप ले सकती हैं। अब जैसे गर्मी के मौसम में लोग कई बार थकावट महसूस करते हैं, सुबह सोकर उठा नहीं जाता, धूप से आकर निढाल हो जाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है ऐसा जो हो रहा है वो क्यों होता है? क्योंकि ज्योत्सना, गर्मी में निकलने वाले पसीने से शरीर में जो वाटर का लेवल है, पानी का जो लेवल है, वो कम हो जाता है, घट जाता है, और इसकी वजह से मांसपेशियों के मूवमेंट पर असर पड़ता है। उनकी में अकड़न, उनमें ऐठन और जलन महसूस होने लगती है, जिसे क्रैम्प्स भी हम आमतौर पर कहते हैं। ये क्रैम्प्स पैरों, हाथों और पेट की मसल्स में ज़्यादा महसूस होता है। वैसे गर्मी का असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ता है जो फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं। हम हर दिन इसीलिए ये कहते हैं कि दिन भर में एक्सरसाइज करने के लिए वक्त निकाल लीजिए, वरना हर मौसम का असर आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। कम से कम 10 मिनट ही निकाल लें, लेकिन कुछ लोग तो ज्योत्सना उतना भी नहीं करते। और जो लोग उतना भी नहीं करते वो आराम तलबी के इतने आदतन हो जाते हैं कि यही कारण है देश के 70% से ज्यादा लोगों की मसल्स कमजोर हो गई हैं, जिससे उनका उठना, बैठना, चलना, फिरना सब कुछ मुश्किल हो गया है और फिर ऐसी परेशानियां हो रही हैं। और वैसे तो देखिए, ये होना ही है, हमारे शरीर का जो 60% हिस्सा मसल से ही बना हुआ है। शरीर का हर एक मूवमेंट मांसपेशियों की वजह से होता है, वही कंट्रोल करती हैं। इनमें से कुछ मसल्स को हम कंट्रोल करते हैं और कुछ ऑटोमेटेड वे में काम भी करती रहती है। लेकिन कभी चोट लगने से तो कभी गलत आदतों की वजह से ये मसल्स डैमेज हो जाती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं। जैसे हार्ट के मसल्स वीक होने लगे तो दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे सांस लेने में फिर दिक्कत होती है, हार्ट फेल तक का खतरा बढ़ जाता है। मतलब ये कि आज मसल पावर बढ़ने वाली है। बहरहाल देखिए, ना किसी का दिल धोखा देगा और ना ही कभी किसी का शरीर कमजोर पड़ेगा। बस शर्त इतनी सी है कि रोजाना इंडिया टीवी सुबह लगा लीजिए 7:56 पर और हमारे साथ योग कीजिए। स्वामी रामदेव, अगर उनके सानिध्य में आप करेंगे तो फिर कहने ही क्या। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम से की बात है कि चाहे स्वामी जी हैदराबाद में हो, हरिद्वार में हो या नेपाल में हो, योग तो होना है। स्वामी जी, आज हैदराबाद की सुबह है और बहुत ही खूबसूरत सुबह दिख रही है स्वामी जी। बहुत खूबसूरत सुबह है और गुजरात के इस समुद्र तटों पर उठने वाला तूफान, उसकी आहट यहाँ हैदराबाद तक भी सुनाई दे रही है। पहले यहाँ पर लोग कहा करते थे, मुंबई की दवा उधर हैदराबाद की हवा यदि किसी को मिल जाए तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। अब मुंबई की दवाई का क्या हाल है वो सबको पता है और यहाँ की हवा को भी कंक्रीट के जंगलों ने थोड़ा गड़बड़ तो किया है, लेकिन सुबह उठ करके एक बार ये वृक्षासन कर लेंगे ना तो आपके लैग्स के मसल्स इतने मजबूत हो जाते हैं और इससे तन और मन में स्थिरता भी आती है। तो ऐसे आप वृक्षासन से शुरू करें। जिन के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो गरुड़ासन भी कर सकते हैं। देखो ऐसे, अब ये भी लेग्स मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसके लिए आप कह रहे थे कि हमारे शरीर में जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मसल से बना हुआ है। अब जो 60% जो आपके मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए अब थोड़ा तो आपको, यदि ये भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, होना तो ये भी चाहिए कि आप एक क्षण में अपने आप को ऐसे उठाएं और ऐसे अपने आप को नियंत्रित कर सके और इस पर चल भी सके। चलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, लेकिन या लेकिन इतना भी ना कर पाए तो कम से कम इतना जरूर कर लें कि हम ये ताड़ासन, स्वामी जी अगर मुमकिन हो तो त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार कर लें। अगर आपके पीछे सूर्योदय हो रहा है तो उसकी वजह से आपकी
आपका जो चेहरे का तेज है वो हम तक थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा सा अगर मामला थोड़ा अगेंस्ट दी लाइट हो गया, थोड़ा सा बदल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ स्वामी जी, हमने दो कालीन देखी है, एक कालीन स्वामी रामदेव की और एक कालीन हातिम ताई की, तो आज आपकी कालीन नहीं नजर आ रही मुझे। अभी जो है ये पीछे से लाइट आ गई भाई, तुम धीरे से इसको उठाओ और चारों तरफ दीपक इधर इधर लगाओ। ये कह रहे हैं अभी इनको, अब ये भी देखो कितना कल रंग भेद करते हैं हमारे हुसैन जी, मीनाक्षी जी, अपना जी, कि इनको स्वामी रामदेव जो है वो काला नहीं दिखना चाहिए। देखो भाई ये बात ठीक नहीं है वैसे तो ऐसे ये हाँ ऐसे, अब अच्छा लग रहा है। नहीं स्वामी जी ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ये अच्छा लग रहा है अब, अच्छा लग जी बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है जी। कालीन दिखा मेरे भाई जी जी ऐसे कालीन भी दिखा, अच्छा, आपके काले, काले बाल भी दिखे काले और चेहरा चाहिए गोरा गोरा तो ये लेकिन ये दोनों में पक्षपात हो गया ना, एक ही जगह माने एक आस पड़ोस में ही दोनों हैं, बाल काले काले चेहरा गोरा गोरा। स्वामी जी शरीर का नजदीक में इतना भेदभाव ठीक नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव नहीं स्वामी जी, बस कुदरत ने आपको जैसा बनाया हम वैसे ही देखना चाह रहे थे, रोशनी की वजह से कुछ अटपटा सा मामला हो रहा था। बहरहाल स्वामी जी मांसपेशियां हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा है और इसके बिना कोई भी एक्शन मुमकिन ही नहीं है, अगर मांसपेशियां कमजोर हैं तो फिर एक्शन कैसे होगा। तो 10 योगाभ्यास का पैकेज आपने शुरू करवा ही दिया है, साथ में जरा ये भी बताते चल रही है कि और ऐसा क्या क्या जिंदगी में शामिल किया जाए जिससे मांसपेशियां जो है मजबूत बनी रहे। तो एक तो सूर्य नमस्कार रोज कम से कम 10 बार कर ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से ऐसे सूर्य नमस्कार हो जाए। एक तो ये, फिर योगिक जोगिंग के कम से कम 2 पोज, एक तो ये और दूसरा ये, इससे हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार योगी जोगी के कम से कम 2 पोज, फिर हम दंड बैठक करवाते हैं ना, ये मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ा जबरदस्त है। एक तो ये साधारण, फिर दूसरा ये राम मूर्ति बैठक ऐसे आज आंधी वर्षा तूफानों के बीच में पूरे देश को फिर भी योग तो करना ही है, जिंदगी में ये सब आएंगे, आंधी आएगी वर्षा आएगी तूफान भी आएंगे, उन सब के बीच में भी योग को हमें नहीं छोड़ना ऐसे। फिर ये ऐसे उछल करके 1-2 ऐसे, और फिर जिनको लेग्स के मसल को सभी दिशाओं से स्ट्रेंथन करना है तो ऐसे और ऐसे इधर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।